आज हम बात करेंगे कनाडा के लेटेस्ट वीजा ट्रेंड की, कौन से पीरियड का प्रोसेसिंग अभी चल रही है एम्बेसी में और किन को रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और बाकी जो सितंबर इंटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। कनाडा में बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है, क्योंकि अब जो लेटेस्ट डेटा आया हमारे पास 27 लाख फाइल पेंडिंग है, अप्रोक्स 2.7 मिलियन फाइल्स। तो ये जो फाइल्स पेंडिंग थी पहले 18 लाख थी, अब ये 27 लाख हो चुकी हैं। जबकि कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ये दावा कर रहे हैं कि हम दिसंबर 2022 तक सारी फाइल्स क्लियर कर देंगे, बैकलॉग क्लियर कर देंगे। क्लियर होने के बजाय अगर देखा जाए तो ये 50% और इंक्रीज़ हो गया, 18 से 27 हो चुका है। तो फिर भी प्रोसेसिंग बहुत स्लो है, ऑल दो ये अपनी काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं, शिनुक सॉफ्टवेयर की हेल्प ले रहे हैं, इन्होंने अपने 500 वीज़ा ऑफिसर्स भी बढ़ाए थे और इसके लिए वो अपनी एफर्ट्स कर रही हैं इमिग्रेशन, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट्स कुछ देखने को नहीं मिल रहा। और रिफ्यूज़ल रेट की बात करें करंटली बहुत ज़्यादा है, सिर्फ जो वीज़ा अप्रूवल रेट है 54% है। मतलब कनाडा में जो भी इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, इंडिया का जो वीज़ा अप्रूवल रेट है, अगर 100 फाइल लग रही है उसमें 54 का वीज़ा अप्रूव हो रहा है, 47 का रिजेक्ट हो रहा है, जो करंटली स्टेटस चल रहा है। तो बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूज़ल है, ऑलमोस्ट कहें तो 50% ही रिफ्यूज़ल है। जबकि अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की वीज़ा सक्सेस 70% है। अगर वहाँ नेपाल से फाइल्स लग रही हैं 100, तो उसमें 70 को वीज़ा मिल रहा है। तो वीज़ा जो अभी करंटली ट्रेंड है वो ज़्यादातर कह सकते हैं कि मिक्स है, थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। और जबकि अगर मैं SDS कैटेगरी की ही बात करें तो वहाँ ऑलमोस्ट 70-80%, पहले 90% होता था, 70-80% तो हमेशा ही रहा है। तो ये अगर हम बात करें तो अभी तक की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट वीज़ा सक्सेस है SDS कैटेगरी का। और कारण क्या है, कि कारण ज़्यादा यही है कि अब जो फाइल्स मैक्सिमम लग ही SDS कैटेगरी की नहीं है, तो इसलिए जो रिफ्यूज़ल है वो भी SDS कैटेगरी में ही आना है। अगर हम एक एग्जांपल दें तो सपोज उन्होंने एक इनटेक में 1 लाख स्टूडेंट्स को वीज़ा देना है, और अगर एप्लीकेशन ही 2 लाख लग रही है उनकी, तो नेचुरली फिर 1 लाख को वो रिजेक्ट ही करेंगे। तो ये जो करंट सिनेरियो है, अभी जो वीज़ा प्रोसेसिंग चल रही है वो चल रही है अप्रैल मई की, और अप्रैल के कुछ स्टूडेंट्स की काफ़ी हद तक रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, और मई मंथ के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशली सितंबर इनटेक में अप्लाई किया हुआ है, तो उनको एक अपनी डेफरमेंट की डेट देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी डेट देती है कि इस डेट तक आप या तो हमें वीज़ा भेज दीजिए, या आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डेफरमेंट ले लीजिए। वो डेट मत मिस होने दीजिएगा, जिनकी तो जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी रिफ़ंड पॉलिसी ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर तो आपका अगर वीज़ा का रिजल्ट्स नेगेटिव आता है तो आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है पूरी फीस रिफ़ंड करेगी, $200-$250 काट के, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑनलाइन क्लासेस मत ज्वाइन कीजिएगा, डेफरमेंट लीजिएगा नेक्स्ट इनटेक जो भी है, अगर जनवरी में मिलता तो जनवरी, नहीं तो मई इनटेक। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अगर आपकी जो रिफ़ंड पॉलिसी है फेवर में नहीं है तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन कीजिएगा। करंटली वीज़ा जैसे मैंने बताया कि मई पीरियड का चल रहा है, रिसेंटली हमारे भी 2 PPRs आई हैं, उनके भी जो फाइल्स थी मोस्ट प्रोबेबली मई इनटेक में ही लगी हुई थी, तो उनके हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव मिले हैं। अभी अगर हम बेल्स ओवरसीज़ की बात करें तो हमारी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी भी वीज़ा सक्सेस 98% चल रही है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट फाइल ही वही प्रोसेस करते हैं जिनकी हमें पता है कि ये इसकी वीज़ा सक्सेस अच्छी रहने की उम्मीद है। सेकेंडली हमारा जो फाइलिंग का सिस्टम है 3 tier होता है, 3 जगह आपकी फ़ाइल चेक होती है, उसके बाद हम फाइल लॉन्च करते हैं, और आपकी SOP भी एक एक बार मैं खुद से भी चेक करता हूँ, चाहे वो किसी भी ब्रांच की हो तो भी मैं खुद चेक करके फाइल लगाता हूँ। और फिर भी अगर आप हमारे से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.